नमस्कार मित्रों, मैं इस समय नागपुर में श्री विकास पाटिल जी के घर पर हूँ। वह बौद्ध विद्या के साधक हैं और रेलवे के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। सर, आपको जय भीम, जय भीम नमो सर। बुद्धाय। उन्होंने अभी नमो बौद्ध बुद्धाय। विवाह कायदे पर एक पुस्तक लिखी है और आप इस पुस्तक को देख सकते हैं। ये बौद्ध विवाह कायदे की पुस्तक है, इसको उन्होंने मराठी में लिखा है और पूरा जीवन उनका रेलवे अधिकारी के रूप में, और ही इज़ ए ट्रेंड एज ए इंजीनियर, बट नाउ अब तक वो 27 किताबें लिख चुके हैं बौद्ध विद्या के ऊपर। मैं चाहूँगा कि सर इस पुस्तक के बारे में बात करें। जी सर, सर, ये किताब मैंने 2007 में डॉक्टर नितिन राउत इन्होंने असेंबली में भी सवाल उठाया था जब वे MLA थे कि बौद्ध धर्म पे विवाह कायदा हो। लेकिन उसके बाद में उन्होंने, जब वो मिनिस्टर बने, उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं किया। खैर, उन्होंने भी एक किताब लिखी है, तो इस पर बौद्ध विवाह पे 5-6 किताबें आ चुकी है सर। तो मैंने इस किताब में ये कहने की कोशिश की है कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन किस तरह से हो सकता है। तो 1981 में इसके सॉल्यूशन के लिए राज्यसभा में डिस्कशन हुआ, और काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था। और राज्यसभा के एक अमरावती के MP थे, तो उन्होंने ये कहा कि बुद्ध विवाह का वैलिडेशन होना चाहिए। और क्या किया है कि 3 जजमेंट्स आए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे दूसरे खंडपीठ से, कि वो कि बौद्ध तरीके से अगर विवाह हो तो उसको निरस्त किया जाए या उसको गैरकानूनी करार दिया जाए, तो फिर क्या किया जाए। और इतना ही नहीं, तो जिस महिला ने उस तरह से विवाह किया हो तो उसको क्या कहते हैं कि नॉट मैरिड, और उसकी संतान जो है वो अनौरा संतान, इस तरह से वो जजमेंट आए हैं। तो ये तो जब हाईकोर्ट का जजमेंट होता है वो तो सारे यहाँ लागू होता है, तो सारे बौद्ध समाज पे ये लागू हो गया। तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, ये समझ कर हमने ये किताब लिखी और बताया कि इसका क्या हल हो सकता है। तो अगर महाराष्ट्र स्टेट असेंबली में अगर ये मुद्दा उठाया जाए तो उसका क्या हल है, और पार्लियामेंट में अगर उठाया जाए तो उसको किस तरह से उसका हल है। तो हल बिल्कुल सिंपल है, एक पैराग्राफ में आपको उसका बुद्धिस्ट मैरिज वैलिडेशन एक्ट, हमें वैलिडेशन चाहिए। जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, उसमें जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7(1) जो है, उसकी वजह से उन्होंने कह दिया कि ये आपका तो कस्टम नहीं है, इसलिए आपका ये मैरिज इनवैलिड है। तो उसको ठीक करने के लिए मैरिज वैलिडेशन एक्ट चाहिए, एक पैराग्राफ का अगर वो वैलिडेशन एक्ट पास हो जाए तो हमारा काम हो जाता है। तो ये हमने दिया है, पिछले पिछले 10 साल से इसके पीछे पड़े हैं। अभी भी हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री जी हैं, क्या नाम उनका, राजकुमार बड़ोजी सर राजकुमार बड़ो, उनसे मैं 3-4 बार मिल चुका हूँ। उनको किताबें दी है, बताई हैं। अभी इतने 4 महीने पहले उन्होंने बताया कि अभी इस पर बहुत एक कमेटी हुई होगी, अभी किस तरह से ये होना चाहिए एक्ट, तो ये इतने इंटरनेट पे आएगा और तुरंत फिर आप उस पर इतने आपको जो कहना है कहिए। लेकिन 4 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। उनके डिपार्टमेंट को मैं हर 8 दिन में मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि आया क्या इंटरनेट पे, अभी तक नहीं है, 4 महीने हो गए। तो कुछ नहीं करना चाहते हो, ज़बरदस्ती इस तरह की बात है। तो हमारे समाज की इतनी निंदा नालस्ती हो रही है, फिर भी वो चाहते हैं कि ऐसे ही बनी रहे, उसको वो उबारना भी नहीं चाहते। तो इस तरह की बात। तो सर, ये पुस्तक जो आपने बनाई है, इसको लेकर फिर आपका क्या एक तरह का विचार रहेगा अब आगे? आप ये चाहते हैं कि लोगों के बीच एक, आपने जो बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट बनाकर देने की बात आप, नहीं, हम ये कहते हैं कि बुद्धिस्ट मैरिज वैलिडेशन एक्ट, अच्छा यानी जो मैरिजेस हुए हैं वो वैलिड होना चाहिए। अभी तो सर हाई कोर्ट ने कह दिया कि वो इनवैलिड है, ओके,
तो आपके बच्चों को क्या है, वो सब अनवर संतान कह दिया हाईकोर्ट ने, तो सारे जो ये लाखों जो बुद्धिस्ट हैं तो उनकी सारी संतान नारस करके घोषित की जाए, लेकिन ये हाईकोर्ट ने कह दिया। तो इस बात को ये करके उसको जो मैरिज अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट कस्टम्स और सेरेमनी के तहत हुए हैं वो जायज करार देने चाहिए, जी इसके लिए जी मैंने कहा है। तो ये महाराष्ट्र असेंबली में भी इसका कानून पास कर सकते हैं, बट दैट विल बी ओनली वैलिड फॉर महाराष्ट्र, और पूरे इंडिया के लिए पार्लियामेंट में इसका तो किस तरह से आना चाहिए, कितना शॉर्ट इसमें इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब हमने इस किताब में दिया जी है। जी जी और हम ये नहीं चाहते कि वह बुद्धिस्ट लॉ होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी सभी लोगों के लिए एक ही लॉ होना चाहिए। बाबा साहब ने ऐसा कहा है। कहाँ है? तो सर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा हाँ तो उसे तो मुस्लिम समाज तो मना करते हैं। नहीं नहीं वो सब उनको लाना पड़ेगा ना, उन सबके लिए एक ही कानून रहेगा। अब देखिए लेकिन सर यही तो बात आरएसएस वाले भी करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी तो यही कहते हैं कि यूनिफॉर्म समान नागरिक तो संहिता। लाते क्यों नहीं, नहीं अगर तो वो ये तो कहते वो हैं तो लाते क्यों नहीं? मुस्लिम समाज और उनके मौलवी विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बैठ इन्होंने क्या चूड़ियां पहनी है क्या? विरोध कर रहे हैं तो विरोध तो होगा ही, आप कोई भी नई बात उठाएंगे तो उसको तो विरोध होगा ही। बाबा साहब ने हर बात उठाई सबका विरोध हुआ, तो क्या उन्होंने छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने कानून बनाया और आपको स्वतंत्रता देने के लिए सब कोशिश की। लेकिन सर अगर हम यूनिफॉर्म्स सिविल कोड की बात करेंगे तो क्या हमारी जो बात है वो आरएसएस के नज़दीक नहीं हो जाएगी? क्यों क्यों हो जाएगी? और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी लोग आएंगे, हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट जैन सभी लोग आ जाएंगे ना उसमें, उसमें अलग से किसी का कानून नहीं रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में। जी 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 और बाबा साहब यही चाहते थे कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन को किसी एक के लिए है क्या? नहीं, वो तो सभी के लिए है ना कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिमिनल लॉ जो है वो किसी एक के लिए है क्या? नहीं, वो तो सभी के लिए है। जी क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ भी सबके लिए होना चाहिए, यही बाबा साहब का कहना था। जिस तरह क्रिमिनल लॉ, अगर मैं किसी कोई गुनाह करता हूँ, किसी का खून कर देता हूँ, तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती है, ये नहीं कह के छोड़ देती कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, लेके पकड़ के लिए चले जाती है। इसी तरह से सिविल लॉ भी सबके लिए सेम होना चाहिए। अब आप विदेश में जाइए, यूरोप में जाइए, वहाँ सिविल लॉ सबके लिए सेम है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या चाहे सिख हो चाहे क्रिश्चियन हो, सबके लिए सेम है। तो इसी तरह से सिविल लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड होना आई चाहिए। ओके सर तो हम लोग ये नहीं चाहते कि बुद्धिस्ट के लिए, हम बौद्ध हो गए तो हमारे लिए अलग से लॉ हो, और ये हम हिंदुओं नहीं के लिए चाहते। शारदा मैरिज एक्ट और इस तरह के एक्ट हो। नहीं, इनके लिए अभी है ना हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जी जी हिंदू 70 के होंगे हिंदू एक्ट, वो भी कहाँ से निकले हैं? जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल जब उन्होंने हाथ में लिया कि हिंदुओं का जो लॉ है इतना क्लिष्ट है कि उसमें किसी भी गरीब आदमी को न्याय मिलता ही नहीं, इसलिए इन्होंने हिंदू कोड बिल ली अपने हाथ में लिया, और उसके वजह से जितनी भी हिंदू महिलाएं हैं सबको संपत्ति का अधिकार दिया। हिंदू महिलाओं को क्या किया जाता था? जला दिया जाता था। क्यों? आदमी के मरने के बाद में महिला को जला दिया। क्यों जला दिया? कि उसको उसकी प्रॉपर्टी ना मिले, उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी उसको ना मिले, इसके लिए महिला को जला दिया जाता। इस तरह का वो हिंदू का लॉ था। तो बाबा साहब ने हिंदू सारी हिंदू महिलाओं को निजात दी है, उसको पूरे अधिकार दिए हैं। किसने दिए? किसी हिंदू के किसी नुमाइंदा ने नहीं दिए, बाबा साहब ने दिए हैं। लेकिन कोई हिंदू महिला बाबा साहब का नाम लेके कहती नहीं कि मुझे जितने भी राइट्स मिले हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं, ऐसा कोई नहीं कहती, लेकिन दिए उन्होंने। जितने इतने हिंदू लोग उनको गालियां देते थे, लेटर भेजते कि उनको हम आपको मार डालेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदुओं के लिए सब कुछ किया। ये सर जो महिलाओं के लिए जो प्रसूति का अवकाश है और इस तरह ये की, भी तो बाबा साहब ने दिया। जी, इसके भी प्रावधान बाबा साहब बाबा साहब अम्बेडकर ने ने किए। वो प्रावधान दिए हैं। तो सर इसके बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगे, अंतिम बात, जो ये बौद्ध विवाह ये कायदा है? तो इसमें यही कहना चाहता हूँ कि इसमें वैलिडेशन एक्ट होना चाहिए, जिससे कि हमारे सारे वैलिड मैरिजेज जो हाई कोर्ट ने कहा कि वैलिड नहीं है वो वैलिड है इस तरह डिक्लेयर हो जाए।
और बाकी कानून अगर बनना है तो उससे यूनिफॉर्म सिविल कोड होने चाहिए जैसे कि बाबा साहब ने। थैंक यू सर।